हेलो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम वॉज गोइंग ऑन इन द स्कूल. इन द नंबर सिस्टम वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक्स लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. वी हैव कंप्लीटेड अप टू एक्सरसाइज 1.2. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Evaluate the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Means इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है. फर्स्ट चीज़ तो पूछ रहा है कि इसे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हमें पूछ रहा है कि ये what kind of a decimal expansion, means decimal expansion ये किस प्रकार का है. तो decimal form में convert करने के लिए तो simply हमें इसका divide करना होता है. Means जो भी हमारा आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, जो पॉइंट में आंसर आएगा वो हो गया डेसिमल फॉर्म में. एक आंसर तो ये हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन. तो मैं आपको बता दूं कि डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं. एक फर्स्ट टाइप होता है टर्मिनेटिंग, सेकेंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग. अब टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिनका डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आता है, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. जैसे एक एग्जांपल से समझे कि जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आएगा. तो इट मींस ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिनको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता. या तो क्वेश्चन होता है वो हमारा रिपीट होने लगता है या फिर रिपीट नहीं होता है. तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सेकेंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले लें तो हम जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा तो 3.3333 ये आता है. इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा. और ये नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने अभी आपको बताया था कि टू टाइप्स होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग. तो इसमें जो हमारा 3.33 डॉट 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 ये आंसर आएगा, इसका मतलब जो 3 है वो हमारा रिपीट हो रहा है. इसका मींस कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल हो गया. अब नॉन टर्मिनेटिंग में सेकंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग का मींस नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर तो ज़ीरो आएगा नहीं. नॉन रिपीटिंग में जैसे कि 10/3 का हम डिवाइड कर रहे थे तो जो 3.33 रिपीट हो रही थी, रिपीट भी नहीं होगी. इसका एक एग्जांपल ले लें तो 22/7 को जब आप ट्राई करके देखना, जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा और जो इसकी डिजिट्स होंगी वो भी रिपीट नहीं होंगी. तो इसका एग्जांपल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का 22/7. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि 36/100, इसमें हमें सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, और उसके बाद बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या है. तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि 36 को हमने 100 से डिवाइड कराया है तो हमारा आंसर आया है 0.36. इट मींस रिमाइंडर इसका ज़ीरो आ गया. अब हमें सबसे पहले रिमाइंडर को चेक करना होगा. अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, इट मींस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया. तो इसका आंसर क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. पहला पार्ट हमसे पूछ रहा था कि डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, जो कि आंसर आ गया 0.36. सेकंड पूछ रहा है किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसका एक और पार्ट देखेंगे, जैसे कि 2/11, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें जब हम इसका डिवाइड करके देखेंगे तो देखिएगा इसका जो कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, मींस रिमाइंडर इसका ज़ीरो नहीं आएगा. रिमाइंडर हमेशा डिजिट्स रिपीट होंगी. जैसे हमने 2/11 को जब हमने डिवाइड करा तो हमारा क्वेश्चन आ रहा है जो वो 0.1818 डॉट 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 आ रहा है. इट मींस डॉट का मींस ये है कि ये नंबर बार बार रिपीट होते जाएंगे हम जितनी बार भी इसको आगे डिवाइड करेंगे. इट मींस कि वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हाइल डिवाइडिंग 2/11, हम ये देख सकते हैं कि जब हम 2 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा रिमाइंडर आया था 2, उसके बाद रिमाइंडर 9 आया, फिर 2 आने लगा, फिर 9 आने लग गया. इट मींस ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. अब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया. अब मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग में टू टाइप्स होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसे रिकरिंग भी कह सकते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग
जो रिपीट नहीं होता। तो अब हम देख सकते हैं कि जो इसको हमने सॉल्यूशन करा था उसमें 0.1818 आ रहा था। इट मींस ये रिपीट हो रही है डिजिट। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। रिकरिंग का मीन्स होता है रिपीट, जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं रिकरिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। अब इधर आप देखें तो 142857 पे ऊपर एक बार लग रहा है। बार का मीन्स ये होता है कि जितनी डिजिट्स पे बार लग रहा है उतनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। मीन्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिजिट्स बार बार रिपीट होंगी। जैसे हमने 10 को डिवाइड 3 से करा था तो क्या हो रहा था, 3.3333 हो रहा था। अब हम 3 को कितनी बार लिखते हैं, इसलिए हम 3.3 पे बार भी लगा सकते हैं। बार का मीन्स होता है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कैन यू एज्यूम व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड। मीन्स हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है, 2/7 की वैल्यू पूछ रहा है, 3/7 की वैल्यू पूछ रहा है एंड सो ऑन। तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं सॉल्व करना है इसे। अब हम इधर देखें सॉल्यूशन पे अपने कि हमें 1/7 की वैल्यू तो दे रखी है, अब हमें 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 1 2 होता है, तो 2 को सेपरेट कर लें इंटू 1/7 कर दें। अब आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2/7 हो गया और डिनोमिनेटर में 7 आ ही रहा है। इट मीन्स 2 इंटू जो 1/7 की वैल्यू थी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी उसकी जगह पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है और 2 का मल्टीप्लाई सिंपली 0.142857 पे आपको मल्टीप्लाई करना है। आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। जैसे अब हम देखते हैं 3/7 करना है तो हमें 1/7 की तो वैल्यू दे रखी है। इट मीन्स हमें 3 का सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 1/7 वाली वैल्यू पे। तो 3 का मल्टीप्लाई आपको 1/7 की वैल्यू आपको क्या दे रखी थी, 0.142857। इसका आप मल्टीप्लाई कर देना तो जो आपको फाइनल आंसर आएगा वो होगा 0.428571। इसी तरीके से इसके आगे के पार्ट्स होंगे, आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। मीन्स हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है जैसे 0.6 पे बार। मैंने अभी आपको बताया था कि बार का मीन्स होता है कि हमें इस डिजिट को बार बार नहीं लिखना पड़े। बार को मीन्स होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 0.666 ये बार बार रिपीट हो रहा है, हमने इसको स्टॉप करने के लिए एक बार 6 के ऊपर बार लगा दिया है। हमें 0.6 पे बार को P/Q की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो जो भी हमें दे रखा है सबसे पहले वो लिख ले, उसे मान लेते हैं x। तो लेट x इज इक्वल टू 0.666। अब मैंने इधर डॉट लगाया है, डॉट का मीन्स ये नंबर आगे और रिपीट हो रहा है, ये डिनोट कर रहा है डॉट। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, हमें 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना है। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा कि हमने 10 का ही मल्टीप्लाई क्यों करा है, 20 का भी कर सकते थे, 100 का भी कर सकते थे, 500 का भी कर सकते थे। हमें मल्टीप्लाई उतने का करना है जितनी हमारे पास बार होता है। मींस एक डिजिट पे बार है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, अगर दो डिजिट पे बार होता तो 100 का करते, अगर थ्री डिजिट्स पे बार हो रहा है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। मींस इधर देखते हैं हम 0.6 पे बार, मींस एक डिजिट पे तो बार हो रहा है 6 पे। इसका मतलब जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमें मल्टीप्लाई करना है वो दोनों तरफ करना है। मीन्स 10 का मल्टीप्लाई हम x में भी करेंगे और जो 0.666 था उस पर भी मल्टीप्लाई हम 10 का करेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे तो हमारा हो गया 10x और 0.666 का मल्टीप्लाई जब आप 10 से करेंगे तो पॉइंट एक राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है, तो हमारा आंसर होगा 6.666। इसे सेकंड इक्वेशन दे देंगे। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम पहले से सीखते हुए आ रहे हैं कि फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को माइनस करते हैं, तो पहले लिखते हैं इक्वेशन 2 में। अब लेफ्ट हैंड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड से ही सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड वाली चीज़ राइट हैंड से ही सब्ट्रैक्ट होती है। इट मींस जब हम सेकंड इक्वेशन में देखते हैं तो 10x है तो 10x लिख लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ रहा है, तो हमें देखेगा कि x है, तो 10x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन में देखेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या है, तो 6.666 है
तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.666 से, तो 10x में से x गया तो 9x हो गया, 6 अब हमें 6.666 को 0.666 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होगा, तब हमारा सॉल्यूशन सही आएगा। अगर आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लगाया तो हमारा आंसर गलत आएगा। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में p अपॉन q की फॉर्म में शो करना है, न्यूमरेटर भी होना चाहिए जिसमें और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 6 9 है जो उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 2 6 एंड 3 3 9, x इज इक्वल टू 2/3, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट इसका, जैसे कि एक दे रखा है 0.001 पे बार लगा रखा है। अभी मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था कि बार का मीन्स होता है जितनी डिजिट्स पे बार होता है उतने ही नंबर रिपीट होते हैं। इसका मतलब हमें x मानना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0.001001 डॉट 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 का मीन्स इधर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपीटेशन हो रही है, इसे हमें फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। अब मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट इक्वेशन में कि 10 का मल्टीप्लाई करवाया था क्योंकि उधर एक डिजिट पे बार था, अब इधर हमें दिख रही है कि 3 डिजिट पे बार है, तो हमें इसका मल्टीप्लाई 1000 से करना होगा, और जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ करना होगा। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में x है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.001001। ये हमारी सेकंड इक्वेशन नेम दे देंगे, जो काम हमने पहले करा था कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, वही करेंगे, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को पहले उतारेंगे, तो 1000 x माइनस x करेंगे तो 999 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। हमें वैल्यू x की निकालनी है क्योंकि हमें इसे शो करना है p अपॉन q में, जो p अपॉन q में शो करने के लिए 1999 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 1/999, दिस विल बी आवर आंसर ऑफ 0.001 पे बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। अब हमें जो क्वेश्चन हमने थर्ड क्वेश्चन में करा था वही इसमें करना है, इट मींस उधर हमें बार लगा के दे रखा था, इधर अब हम देखें तो इधर नंबर हमारा 9 रिपीटेशन हो रही है नंबर 9 की, तो अब हम इसे मान सकते हैं कि 0.9 पे बार है हमारा, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.999, अब मल्टीप्लाई हमने इधर 10 का क्यों करा, क्योंकि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो नंबर तो 9 ही रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हमें 10 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड पे भी हमें 10 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो 10x हो जाएगा, 0.999 का मल्टीप्लाई जब हम 10 में करेंगे तो 9.999 हो जाएगा। जैसे हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन मानी थी और सेकंड इक्वेशन मानी थी, दोनों इक्वेशंस को मानना है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होते हैं और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो x इज इक्वल टू 9/9 आ जाएगा, आवर आंसर विल बी 1। सो देयर इज नो गैप बिटवीन 1 एंड 0.999 एंड हेंस दे आर इक्वल, इट मींस कि 1 और 0.999 के बीच में कोई भी गैप नहीं है, मींस ये दोनों वैल्यू एक ही है, जब हम 0.999 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ अ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जो कि रेशनल नंबर में होते हैं पी अपॉन क्यू में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, और उनके बीच में कोई फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग। मैंने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिनका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू गैस वॉट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू का इधर मीन्स है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही होगी जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले रखे हैं, लेट अस टेक एग्जाम्पल 5/2, 5/4, 2/10, दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मीन्स हमने एग्जाम्पल्स जैसे मान लिए 5/2 माना, 5/4 माना, 2/10 माना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मीन्स है कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इनका रिमाइंडर 0 आएगा।
5/2 को जब आपने डिवाइड करा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो क्वोशेंट इसका 2.5 आएगा और रिमाइंडर आएगा इसका 0। ऐसे ही हम देखते हैं 5/4 को, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट 1.25 आएगा, 2/10 को करेंगे तो 0.2 आएगा। अब हमने इधर से क्या देखा, वी कैन ऑब्जर्व दैट द डिनोमिनेटर्स ऑफ द अबव रेशनल नंबर्स हैव द पावर्स 2, 5 और बोथ। अब हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में देख सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर 4 था, इसका डिनोमिनेटर 10 था, मींस कि डिनोमिनेटर की पावर होगी वो या तो 2 के फॉर्म में होगी या 5 के फॉर्म में होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 के फॉर्म में भी हो या फिर 5 के फॉर्म में भी हो। देयरफॉर क्यू मस्ट सेटिस्फाई इन द फॉर्म आइदर 2 की पावर m और 5 की पावर n और बोथ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मीन्स सिंपली ये है कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आने के लिए उसका डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में होना चाहिए या तो 5 की पावर में होना चाहिए या फिर 2 की पावर में भी हो सकता है और 5 की पावर में भी हो सकता है। जिन डेसिमल एक्सपेंशन का डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n या फिर 2 की पावर n itself और 5 की पावर m itself आ रहा होगा, वही हमारे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 1.3 में हैं, जो कि आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपकी एनी डाउट या फिर कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ मेरे को कॉन्टैक्ट करिएगा। इसकी PDF मैं आपको WhatsApp ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूँगा। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।